हाईवे पर अवैध तरीके से बने सत्तारूढ़ दल के नेता का डाबा तोड़ने पहुंची डीपीसी की टीम को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। अपने साथी के साथ संस्थान पर चल रहे पीले पंजे को रुकवाने के लिए भाजपा सरकार में उद्योग मंत्री रहे शिषपाल मेहता भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों और समर्थकों के बीच चली 2 घंटे लंबी नोक झोंक के बाद तोड़फोड़ दस्ते के सगुन स्टार ढाबे के आधे हिस्से को ध्वंस कर दिया। भाजपा संगठन के पदाधिकारियों ने डीटीसी विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इस कार्यवाही के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। सोमवार दोपहर करीब 12:15 बजे डीपीसी विक्रम सिंह दल बल व तोड़फोड़ दस्ते के साथ हाईवे पर अवैध बने ढाबों को ध्वंस करने पहुंचे। इस बार जिला नगर योजनाकार विभाग के निशाने पर वे ढाबे रहे जिन्हें बीते 21 जनवरी को नोटिस जारी किए गए थे। जैसे ही डीसीपी की टीम कार्यवाही के लिए सगुन स्टार ढाबे की तरफ बढ़ी तो ढाबे पर मौजूद भाजपा नेता सुदर्शन जुलेजा ने पुत्र विनय जुलेजा ने ढाबे तोड़ने का विरोध शुरू कर दिया। कुछ ही देर में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष सुदर्शन जुलेजा और उनके समर्थक ढाबे पर एकत्रित हो गए। दोनों पक्षों के बीच करीब 2 घंटे तक चली तीखी बहसबाजी के कारण डीपीसी की कार्यवाही रुक गई। इस दौरान ढाबा संचालकों ने कई बार डीपीसी विक्रम सिंह की बात मोबाइल के जरिए किसी व्यक्ति से करवाई, लेकिन विभाग की टीम पीछे नहीं हटी। आखिरकार दोपहर 2:15 बजे सगुन स्टार ढाबे पिछले हिस्से पर पीला पंजा चलाया गया। जैसे ही जेसीबी मशीन ने ढाबे के फ्रंट को तोड़ने पहुंची तो पूर्व उद्योग मंत्री शिषपाल मेहता ढाबे पर पहुंच गए और डीटीपी विक्रम सिंह से बातचीत की। पूर्व मंत्री से हुई बातचीत के बाद जेसीबी मशीनों को रुक हाईवे की अगले ढाबे की तरफ हो गया। इस कार्यवाही के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार रमेश कुमार, थाना प्रभारी मनोज कुमार व पुलिस बल मौजूद रहा।